Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Elden Ring. मैं घूमते-घूमते किधर पहुंच गया देखो। यहाँ पे आके मेरे को ये लॉस्ट ड्रेस मिला। यहाँ पे एक बॉस भी है। बॉस थोड़ा मेरे को स्लो लगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा कैसे यहाँ पे आना है, क्योंकि मैं भी मतलब एक्सीडेंटली पहुंच गया इधर। और एक्सीडेंटली पहुंचने के बाद मेरे को ये बॉस दिखा। जब भी मैंने बॉस को अटैक किया तो मैं देखता हूँ ये बॉस सिर्फ नाव में ही घूम रहा है, ये अटैक बैक नहीं करता है। इसलिए मैंने इसको लगा कि सबसे इजीएस्ट बॉस ये है। इससे इजी बॉस नहीं मिलेगा भाई।
अगर ढूंढते रहोगे कभी नहीं मिलेगा। इस बॉस जो अटैक नहीं करता, अटैक बैक नहीं करता। वाले बिल्डिंग में चेक कर लेता हूँ, मिलने वाला तो है नहीं इधर। हमने फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने सबके लिए सोचा है कि बेटा तुमको तुमसे उधर नहीं हो रहा तो तुम इधर कर लो, है ना। अटैक करता है, मैं तुमको क्या लगता है मैं पागल हूँ ऐसे अटैक करता रहूँगा। अरे नीचे मत गिरो, नीचे ही गिर गया साला। ये सब को तो मारना दिखाऊंगा, ये सब बड़े बड़े जायंट दिखते हैं बस, शरीर में जायंट है ये लोग, कुछ है नहीं। तो मैं ग्राइंड कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि बिना ग्राइंड किए इस गेम में कुछ नहीं हो सकता, सो आई ग्राइंडेड अ लिटिल लिटिल या एंड दिस बिग एस डूड्स गिव लाइक 1000 रूम्स और व्हाटएवर दैट यू कैन फर्दर use for upgrading your abilities. मैं ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गया। इसको मारने के लिए भाई घोड़े पे चढ़ो और इसके आसपास बस मारते रहो इसको। अभी नीचे हो क्या, बर्ड है कि ड्रैगन है कि क्या झाट क्या है ये, एक नहीं दो दो दिख रहा है मेरे को। आलू मिल रहा है यार,
अभी 7-7 हज़ार चाहिए होते हैं एक एक अपग्रेड के लिए। मैं आप सोच रहे हो आप लोग कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। मैंने और एक छोटा मोटा उसको मारा था, लेकिन वो मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इसलिए उसको दिखाना नहीं दिखाना एक ही बात होगी। तो आर्मी है, स्लो है, लेकिन काटेगा तो मैं खत्म। 10 हज़ार एक अपग्रेड और प्लस 3 हज़ार, 10 हज़ार लेके आता हूँ, अपग्रेड कर लेता हूँ। यार कभी कभी होता ही है कि करने कुछ और निकलता हूँ, कर कुछ और बैठता हूँ, उसकी वजह से ही सब झमेला स्टार्ट होता है। स्ट्रेंथ 220, आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत कम था, मैंने ये सब ग्राइंड कर करके ये सब बनाया है। मुझे पता है ग्राइंडिंग के अलावा यहाँ इस गेम में कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ग्राइंड करना ही पड़ेगा। क्या चुकी आपका बियॉन्ड, इन लोगों को देख के आता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों को पीछे वाला जगह भी दिखाऊंगा। पहुंचा यहाँ पे 3-4 है भाई, रिक्स नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये लोग बोल के अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे चारों तरफ यही लोग हैं। वहाँ पे मेरे को कोई अलग दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो छोटा मोटा बॉस होगा। ये क्या बोला, अरे फायर डैमेज, लगाया हुआ है इसके पूरे शरीर में। कितना गया मेरा वहां पर, लेके तो आना पड़ेगा ना भाई। अभी अपन ऐसा बंदा हो गया कि
गया मेरा चार पांच। हाँ यार सही टाइम पे जंप करो तो भी चला जाता है। अरे शॉर्टकट लेने के लिए वो तो मिलेगा नहीं मेरे को, जो गया हो गया। चलो वापस चलता हूँ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मतलब एटलीस्ट 40-50 लेवल बढ़ाने के बाद ही आ पाऊँगा या फिर आने का मेरा मतलब है। वहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है लॉस्ट ग्रेस, चारों तरफ से आग से क्यों गिरा हुआ है। अरे यार इन्वेडेड भाई, कोई उसको मारना ही पड़ेगा अभी। कॉलिंग बेल बजता है और पूरा कंसंट्रेशन का मार्च हो देता है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ यार, शायद वो रहेगा अभी, शायद नहीं भी रह सकता है। हाँ ये बंदा, ये भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है वो अभी इसको बस, लेकिन इसके अटैक में बहुत आगे हो गया, दिमाग फेल चला गया उसको लगभग, इसके अटैक में कॉट अप नहीं होना है तो ये मारते रहता है, मारता रहेगा। तो मैं इधर से ही जाते जाते मेरे को सामने वाले वो रास्ते मिलते,
happen to travel this way, I hope you find those other grace points that I found, because they are very close to this. That grace point near me will take you with the boss here, the weakest boss of the game, I think. बहुत जगह एक्सप्लोर कर लिया है. ये सब जगह जो है throughout this grinding process was I used to come here. Guys, almost.
आसानी से हुआ भाई, बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं हुआ, वही तो मैं बोलता हूँ यार। यहाँ पे आओ आराम से, एक एक को मारने के लिए 1,000 मिलता है यहाँ पे जाइंट्स को। यहाँ पे भी मत जाना यार, खत्म करने के लिए मैं ये सब भी दिखता है भाई खरीदने वाले इसको यहाँ पे लेके आओ जहाँ पे तुम मतलब फाइट कर पाओगे इसके साथ। सब जगह फाइट के लिए नहीं है, स्पेशली कुछ जगह होता है सुंदरों को मारो। देखिए लोग बॉडी पे टच भी करता है, अबे कहाँ रह गया लोग ये, करने के बाद ही मैं जाऊंगा ची सेंटिनल को मारने के लिए। बहुत ग्रीफ दिया है उसने मेरे को, उसका ग्रीफ खत्म करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं फिर से इस जगह में आ गया, चलो कोई बात नहीं।
अभी नीचे जाने का और कोई रास्ता है क्या? होते ही तो मैं भी मर जाऊंगा ना। फंस गया यहाँ पे तो इसके सामने ही मेरा वो सामान कैसे आ गया? मैं तो मरा था उसके सामने ना। बाप रे बाप, क्या जंप करता है साला मारे छोटे। अरे ऐसे जगह पे दिया है, इसको लेके निकलूंगा तो ये मेरा पीछा करेगा या फिर ऐसे कुछ। अच्छा पीछा नहीं कर रहा है। बोल्ट्स कैसे फायर करते हैं यार? अपने पास तो है ही नहीं, ये दो है ये एक है। क्या झाट उभारूंगा मैं? जब उस तरफ घूम के रहेगा तब जाके एक हिट मार के भागूंगा मैं, और कोई उपाय नहीं दिख रहा मुझे। हेल्थ बचा है ये भी मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं इसके ज़्यादा सामने जाता हूँ तो ये घूम के पूरा। वो भाई इसका थोड़ा सा भी हेल्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्थ है इसका।
तो ऐसे नहीं इसको ऐसे मार ही नहीं सकता। सेव कर लेता हूँ। होगा नहीं, 9000 से ज़्यादा चाहिए। इधर से भी तो गया था मैं, लेकिन सामने कुछ अजीब और गरीब जुड़वा बैठे रहते हैं, वो एरोज लेके बैठा है, सब दोनों का दोनों एरोज लेके बैठा है। सबको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये ना एक गेट में मार सकता है ऐसे। इतना स्पीड कैसे कम हो रही है इसका यार, स्पीड तो अच्छा खासा था। यहाँ पे शायद कोई to engage in combat with other players, touch their figi. Other players पहले आप खुद तो, अच्छा ये कोई combat का जगह है। नहीं नहीं अगर वहाँ पे बाहर मर गया तो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा मेरा 4000, अभी बहुत मायने रखता है यार 4000, अभी बहुत मायने रखता है, बाद में शायद इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन अभी 4000 इसका बहुत वैल्यू है। उस तरफ गया नहीं हूँ मैं, ये एक बार ये गलती कर दिया था मैंने यहाँ पे टच करके, इफ यू टच हियर दे विल कम बैक टू गेट यू। अभी यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई अलग ही रास्ता होगा, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, देख रहे हो मैं तो उधर से घूम के आने का कोई रास्ता होगा। कोशिश भी नहीं करना चाहता यार, ये लोग मुझे पता है ये लोग बहुत पार्टी है।
मारना भी इतना हार्ड नहीं है, अगर चाहूँ तो मार सकता हूँ क्योंकि ये लोग बहुत स्लो है। भाई शॉर्टकट अपनाता हूँ यार। मुझे लगता है वहां से आ सकते हैं। कुत्ते के हाथों मर रहा हूँ मैं, कुत्ते के हाथों, कुत्ता मार रहा है मुझे, इसे कुत्ते के पिल्ले आके मार रहे हैं, स्कारलेट के कुत्ते के पिल्ले। यार जब कोई चीज करने जाता हूँ उसका हमेशा उल्टा ही होता है, एल्डन रिंग में हमेशा उल्टा होता है। नॉट अ सिंगल टाइम, नॉट अ सिंगल फकिंग टाइम। अब यहाँ पे जाके क्या फायदा, जो जमा किया था मैंने वो तो गया। पंखा लगाया हुआ चुतिया भाई साहब, बहुत क्रूएल है ये गेम भाई, बहुत ज्यादा क्रूएल है। तुमको अगर नहीं आता है तो मत खेलो यार, झाट झड़ जाएगा बहन चो, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, माथा दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा और तुमको इतना गुस्सा आएगा ना। ये लोगों को मारने से बस 500 मिलता है। ट्रैवल भी नहीं कर पाऊंगा, मैप नहीं खुलेगा जब तक मैं स्कारलेट रॉड को ठीक ना करूं। ना क्रूएल है भाई, शायद रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। सबको पानी भी देखो ना, खतरनाक पानी है भाई।
मैंने तो उस साइड जाने की कोशिश भी नहीं किया अभी तक। बीच में ये लोग साला असुरा बन जा रहे हैं। इफ यू नो व्हाट आई मीन, असुरा जोरोस कौन दे बिकम असुरा इन द मिडिल ऑफ द फाइट। दे स्टार्टेड स्विंगिंग देयर सोर्ड्स व्हाटएवर दे आर यूजिंग लाइक क्रेजी। लुक एट दिस, लुक एट दिस फकिंग स्विंग मैन। Absolutely fucking ridiculous. चल रहा है क्या? हाँ बेटी सब चल रहा है लगता है। इसको मैं एंटीसिपेट तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन इसके पास में रुक के एक्सप्लोर करता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसका जाने का पार्ट है, घूम के आएगा जैसे। अच्छा थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है इसका पार्ट। वहाँ पे उसका पॉइजन से मर गया, मेरे को पॉइजन आर्नामेंट मिल गया। आर्नामेंट मिल गया, आई डोंट नो वेयर दिस विल हेल्प। ओके लेट मी चेक गियर ड्रोन अपन यूज। मेरे पास पॉइजन वाला कुछ मिला ना अभी थोड़ा देर पहले। आ गया वो चीज, अभी मिलता है, अभी मिलता है सर। Enchants right hand ornament with poison. इसको कैसे यूज करना है?
क्राफ्टिंग का मुझे मिला ही नहीं। मुझे तो नहीं दिखा रहा है इसको मैं ले लू कहाँ पे। थोड़ा बचा हुआ था ना मेरा, क्योंकि तब मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। अभी कमज़ोर हूँ, अभी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ मैं। लेकिन फिलहाल इसको मार सकता हूँ शायद। फ्रॉस्ट वाला को मेरे को सही करना पड़ेगा। एक सेकेंड, फ्रॉस्ट का कुछ है क्या अपने पास? जो फ्रॉस्ट से बचा है क्या ये वर्थलेस रबिश? शार्ड ऑफ फिल्थी ग्लास, वर्थलेस रबिश। चलो कोई बात नहीं, अपन मरे तो क्या हुआ, इसका थोड़ा सा इसको मारने के बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं, तो निकल नहीं पाओगे। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये कौन सा अटैक था भाई?
भाई इसको मारना, इसको मारने के लिए मेरे को एटलीस्ट 50 लेवल का होके आना पड़ेगा। हो गया मेरा कोटा पूरा हो गया आज का मरने का, और नहीं मर रहा भाई। मैं यहाँ से निकलता हूँ, टनल में जाके घुस जाता हूँ, क्योंकि टनल में जाके मुंह छुपाना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। इसको छोड़ देता हूँ आज, नहीं इसको आज नहीं, इस वीडियो में नहीं। एटलीस्ट मर तो जाएगा ये, क्योंकि आखिरी बार जब मैं इससे फाइट करने आया था तब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मतलब मेरा लेवल ही कुछ नहीं था। इसके बाद मैंने बहुत ग्राइंड किया, मतलब थोड़ा बहुत ग्राइंड किया। अरे यहाँ पे अभी तक वो बचा है, नेक्स्ट वीडियो में तो मैं उसको, मतलब वो ट्री सेंटिनल जो गोल्डन कलर का आर्मर पहन के आता है, ये हरामी यहाँ पे घूम रहा है ये वाला, इसको मारूंगा पहले। इसको मारना बहुत ज़रूरी है, मारना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये मेरे को सबसे ज़्यादा ग्रीफ दिया है, वो लाल वाले से भी ज़्यादा ग्रीफ इसने दिया मुझे। तो चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू सून।